Thanks. Thanks, Kisli. Thanks for what? नहीं, फोन करके पूछ लेता हूं। ऑफिस के लिए निकल रहा है? अरे नहीं, वो कोर्ट की इयरिंग है, उसी के लिए जा रहा हूं। वैसे कल रात ऋतिक बीच रास्ते में उतर गया, कह रहा था कि दिशा वापस घर चली गई। मैंने पता लगा लिया है, उन दोनों के बीच कुछ चल नहीं रहा। They're just business partners, that's it. मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओए, तुझे क्या हुआ? कल रात दिशा से झगड़ा हो गया, गाड़ी रुकवाई और उतर गई। क्यों, अब क्या हुआ है? यार वो मैंने इनडायरेक्टली उससे ऋतिक की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तू भी ना यार, तुझे कहा था कि घर चल के बात करेंगे, तुझे रुका नहीं। बाहर दिशा को गुस्सा दिलाया, मुझे दिला रहे, और आलिया को भी दिला दिया। ले, रात में घर आया तो शी वॉज अपसेट, ऑफकोर्स गुस्से में थी कि तू इतना जल्दी आ गया और मुझे आने में इतनी देर कैसे हो। पता है पूरब, तू बहुत बुरी सिचुएशन में है। तू दिशा से प्यार करता है लेकिन वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती। तू उससे दूर नहीं जा रहा, इसलिए उसने एक फेक बॉयफ्रेंड बना लिया। दिशा से बात करता है वो गुस्सा हो जाती है, तू आलिया से बात करता है वो गुस्सा हो जाती है। अगर आलिया को पता चला कि कल रात में तेरे साथ दिशा के घर पे नहीं था तो। जब तू सुबह उठता तो लोगों से कहता कि पूरब एक बहुत अच्छा आदमी था। नहीं, मैं ये कहता कि बहुत बेवकूफ आदमी था, भगवान उसकी आत्मा को कभी शांति ना दे। जोक था असली। तू इतना क्यों हंस रहा है? कोर्ट की हेयरिंग के लिए जा रहा है। जनरली लोग कोर्ट में जाते हैं तो टेंशन में होते हैं, और भूल मत प्रज्ञा की दूसरी पार्टी के साथ है। मेरे भाई, हर प्रॉब्लम की एक ही सलूशन है, कम्युनिकेशन, बातचीत। अरे बातचीत करने से दो देशों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्या दो लोगों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? बातचीत ना होने की वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, गलतफहमियां बढ़ी हैं, वो सब नहीं होगी। और वैसे इस हियरिंग के बाद ना रात को फैमिली डिनर के लिए भी जा रहा हूँ। डिनर किसके साथ? अरे फैमिली डिनर पर फैमिली के साथ ही जाएंगे ना, हम दो, हमारे दो, यानी कि मैं और प्रज्ञा और हमारी बेटियां। मिला क्या प्रधान? अच्छा लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छा लग रहा है। Nice. मिलने की बात से इतना खुश है, मिलेंगे तो पता नहीं कितना खुश होगा। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा केस निर्मला देशपांडे जैसी जज के पास है। बहुत अच्छी जज है, फैसला करते वक्त ऊंच नीच जरा भी नहीं देखती है, केस का एकदम बराबर फैसला देती है, और झूठ को माफ भी नहीं करती है। अरे अंदर लड़ने से अच्छा हम बाहरी सेटलमेंट कर लेते हैं ना। सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती सर, और बात यहाँ हमारे रिस्पेक्ट की है। ऋषि पर गलत इल्जाम लगा है, वो इल्जाम हटाने की जरूरत है, और जिसने लगाया है उसे सजा दिलवाने की जरूरत है। अगर आप वो कर सकते हैं तो हमें सेटलमेंट मंजूर है। नहीं हो सकता, हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छी बात है, आपके लिए सब कुछ आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। माना कि लड़कियों का केस हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे गवाह है जो आपका केस वीक कर सकते हैं। किसका केस वीक निकलेगा और किसका स्ट्रॉन्ग निकलेगा ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम स्ट्रेस मत लो, जज साहब सच का साथ देंगे। तुम आओ मेरे साथ। हमारे लॉयर उधर है, जाओ मैं दो मिनट में। ओके ओके। हाय मासी, मैं अभी आता हूँ। Hey, क्या हुआ? अजीब लग रहा है, हम दोनों कोर्ट में हैं। एक्चुअली वही बात करने आया हूं मैं तुमसे कि अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट हो, मतलब ब्लेम गेम, लड़ाई झगड़ा, उसे हम कोर्ट रूम में ही रखेंगे, ठीक है? लॉज को लड़ने दो ना, बच्चे हैं,
ऋषि ने जो गलती की उसके... ऋषि ने गलती नहीं की। सॉरी, मतलब गलती जिसने भी की है, जिसने रोकने की कोशिश की है, लॉयर्स को बोलने दो, जज को डिसाइड करने दो, उन्हें लड़ने दो ना। हमें लड़ना होता तो हम आपस में लड़के फैसला कर लेते, जो हम नहीं कर रहे। तो मैं एक्चुअली यही बोलने आया था कि मैं केस में जो कुछ भी हुए उसके उसकी वजह से हमारे बीच में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, लेकिन जो सही होगा वो बच जाएगा, जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी। हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, बस सिवाय एक दूसरे के। बच्चों की अपनी जिंदगी है और हमारी अपनी। हमारी बहुत अच्छी जिंदगी है, मतलब होने वाली है बहुत जल्द। बस अलिंदर केस खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा। ऋषि, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। शादी करना चाहोगे मुझसे? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, तुम नहीं सुधरने वाली कभी। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें इस कोर्ट रूम में नहीं, वेडिंग कोर्ट रूम में जाना होगा। तुम पे कोई केस नहीं होगा और हम दोनों की फैमिली पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। हम साथ में शॉपिंग करेंगे, खुश रहेंगे। तुम बस एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हें उस बात के लिए भी माफ कर दूंगी जब तुमने शाहना को ऑफिस में गिरते हुए बचाया था। वो तुम्हारी बाहों में थी, तुमने कैसे उससे पकड़ा हुआ था, तब मैंने कुछ नहीं कहा। मैं शाहना को भी माफ कर दूंगी, उसने मुझसे जो कहा मैं उन सब बातों के लिए माफ कर दूंगी। वो तुम्हारे इतने करीब आई, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, उससे कोई पनिशमेंट नहीं दूंगी, ना हर्ट करूंगी, बख्श दूंगी मैं उसे। बक्सा तो तुम्हें नहीं जाएगा, जेल जाओगी तुम, और यही तुम्हारा इलाज है। रहा सवाल तुम्हारे जवाब का, तो मेरी तरफ से ना है, नहीं करूंगा तुमसे शादी। प्यार करते हो उससे? हाँ करता हूँ। और कुछ सुनना है? ठीक है, अब तो जज ही फैसला सुनाएंगे, और मैं तुम्हें जेल जाते हुए देखना चाहती हूँ। प्रियंका, केस का टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट, दिस इज वेरी फॉर्मल, बेस्ट ऑफ लक। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन है? मी माय लॉर्ड। और डिफेंस की तरफ से? माय लॉर्ड। प्रोसीड। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट प्रियंका राणा ने ऋषि धवल के ऊपर मोलेस्टेशन का केस फाइल किया है। योर ऑनर, ये केस बहुत सिंपल है। ऋषि और प्रियंका एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऋषि ने मौके का फायदा उठाया और मेरी क्लाइंट को मोलेस्ट किया, और उसके साथ जबरदस्ती भी की। इसकी भोली सूरत पे मत जाइएगा, दरअसल इस चेहरे के पीछे एक ऐसा क्रिमिनल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेंड। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मिस्टर व्योम मेरे क्लाइंट को क्रिमिनल कह रहे हैं, जबकि केस शुरू हुआ ही नहीं। तो माय लॉर्ड, मिस्टर व्योम को यह इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो केस पे ध्यान दे, जजमेंट देने की कोशिश ना करे, क्योंकि जजमेंट देने के लिए जज साहिबा मौजूद हैं। माय लॉर्ड, हम लॉयर्स हैं और लॉयर्स अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और मैं मेरे क्लाइंट ऋषि को इंसाफ दिला के रहूंगा। आई एम सॉरी, आप एक ऐसे इंसान को डिफेंड करेंगे जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है? अगर यही चीज आपकी बेटी के साथ हुई होती। जबान को लगाम देके बात कीजिए मिस्टर व्योम। मिस्टर व्योम, नो पर्सनल कमेंट्स। योर ऑनर, आई एम सॉरी। सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये प्रूफ करना चाहता था कि मैंने आपकी बेटी के बारे में जरा सा भी कुछ बोला तो आपको कितना गुस्सा आया। मेरी क्लाइंट जिसके ऊपर ये सब बीता है, वो किस हाल से गुजर रही होगी? योर ऑनर, 20 अक्टूबर की रात को एम्प्लॉयज सारे जा चुके थे, ऋषि और प्रियंका थे, लेट नाइट ड्यूटी कर रहे थे। ऋषि प्रियंका से मीठी मीठी बातें कर रहा था, और उसकी किसी बात पर उसको हंसी आ गई, और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया, और फिर उसके क्लोज आने लगा। जब प्रियंका ने उसे मना किया तो वो उससे जबरदस्ती करने लगा और उसको मोलेस्ट किया। और जब प्रियंका चीखी तो डर गया और वो वहां से कायरों की तरह भाग गया। लेकिन कानून से कहां भागता, इसीलिए वो अब आपके सामने।
ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. सस्टेंड. थैंक यू माय लॉर्ड. मिस्टर व्योम केस नहीं रख रहे हैं, बल्कि कोई कहानी सुना रहे हैं. असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. हाँ, ये जरूर था कि प्रियंका और ऋषि इकट्ठे ऑफिस में थे, लेकिन पहल प्रियंका ने की थी. प्रियंका ऋषि से मीठी मीठी बातें करने लगी. प्रियंका ऋषि को इधर उधर टच करने लगी, और जब ऋषि ने मना किया तो प्रियंका बौखला गई और प्रियंका ने चिल्लाना चालू कर दी. आप क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आप कहना चाहते हैं कि जो लड़का प्रियंका से स्ट्रांग है उसे प्रियंका ने रेप करने की कोशिश की, और वो ये सोच के ऑफिस से भाग गया? लड़कियां नाजुक होती हैं, लड़के नाजुक नहीं होते. माय लॉर्ड, नाजुक इज्जत होती है, और इज्जत दोनों के पास होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की. मोलेस्टेशन का वर्ड सिर्फ लड़कियों पर यूज नहीं होता, बल्कि मोलेस्टेशन एक जनरल चीज है. मोलेस्टेशन में कोई जेंडर या कोई एज नहीं होती. ये केस लड़का लड़की का नहीं, बल्कि विक्टिम और विक्टिमाइजर का है. इस केस को आपने बहुत अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया है मिस्टर व्योम. प्लीज डोंट डू दैट. यू डोंट डू दैट मिस्टर खरबंदा. आप जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो जज साहिबा तो क्या, यहाँ पर बैठे किसी को भी समझ में नहीं आएगी. और ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की एक लड़के का अकेले होने का फायदा उठाए और लड़का वहां से भाग ले? ये लड़के की किस्मत अच्छी है या खराब? अगर कोई लड़की मुझे छेड़े ना, मैं तो पागल ही हो जाऊं. ऐसी मोलेस्टेशन के लिए तो मैं भी तैयार हूं, पर कोई लड़की ही नहीं मिलती मुझे. आउट आर यू? आउट ऑफ द कोर्ट. ऑर्डर. आई सेड लीव. साइलेंस. क्वाइट. आप क्वाइट मुझे क्यों बोल रही हैं? ये लोग जो बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा. आप प्लीज बैठ जाइए ना. वो तू नहीं होता ना, दिखाता तुम तीनों को. ये लोग कोर्ट का मजाक बना रहे हैं, विक्टिम का मजाक बना रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा. आई एम वार्निंग यू, अगर अभी आप शांत नहीं बैठे तो मैं कंडेम ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दूंगी आप पे. आप इन्हें समझाइए, वरना इन्हें कोर्ट के बाहर ले जाइए. मैंने कहा था तुमसे कि पुलिस स्टेशन में यही सब होगा. पहले पुलिस स्टेशन में लोगों ने मजाक बनाया, अब कोर्ट में बनाया, बाहर भी लोग मजाक बनाएंगे. योर ऑनर, ये लोग मजाक बना रहे हैं कोर्ट का, विक्टिम का, और आप मुझे बोल. कमेंट किसने पास की थी? योर ऑनर, ये लोग. कोर्ट के बाहर ले जाइए. चलो उठो. योर ऑनर, आई एम सॉरी फॉर माय बिहेवियर, लेकिन सारी गलती इस ऋषि की है, इसी ने सब कुछ किया है. ही इज द कल्प्रिट. आपको बोलने का मौका दिया जाएगा. यस मिस्टर व्योम. योर ऑनर, अब मैं आपको ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं जो कि ये दिखाएंगे कि वायलेंट एक्ट में मेरी क्लाइंट कितनी हर्ट हुई. ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो वारदात के दिन पुलिस ने ली थी. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. इन सब फोटोज का जवाब मेरे पास है जो ये प्रूफ कर देगा कि ये काम मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए किए गए हैं. प्रोसीड. थैंक यू माय लॉर्ड. माय लॉर्ड, मैं मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा. इजाजत है. Yes, sir. किससे बात कर रहा? किसी से नहीं. तो फिर वो ऐसा क्यों बना? क्या सामने किसी को तुमने फोन लगाया हो और सामने से उसने कुछ ऐसा बोला जो तुम्हें पसंद ना आया हो और तुम्हारा मूड खराब हो गया? आलिया, मुझसे सीधे सीधे बात किया करो, टू द पॉइंट. ऐसे घुमा फिरा के बात करती हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता. एंड इट्स अनोइंग. अनोइंग? आई एम अनोइंग? मैं ये नहीं कह रहा हूँ. तुम्हारे बात करने का तरीका अनोइंग है. तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, पर वो बात पूछने के बजाय कुछ भी पूछ रही हो. किससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, एंड दिस इज अनोइंग. तो सीधे सीधे पूछ लेते हो. कल रात तुम दिशा के घर गए थे ना, मुझे बताया क्यों नहीं? आलिया, ये सवाल तुमने मुझसे रात को भी पूछा था और मैंने जवाब दिया था.
बार बार सवाल पूछने से जवाब बदल नहीं जाता। इट वॉज़न्ट प्लान्ड, अचानक से प्लान बना और जाना पड़ा। अच्छा, तो जिस तरीके से बार बार सवाल पूछने से जवाब नहीं बदलता, वैसे ही बार बार जवाब देने से किसी का विश्वास तुम नहीं जीत सकते। ना कल मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास था ना अब। आई डोंट बिलीव इट। मतलब तुम्हें जो सुनना है वो तुम सुन के रहोगे, ठीक है? हाँ, मैं दिशा के घर गया था, मेरा मन था और मैं चला गया। नाउ हैप्पी? ऐसे क्या देख रही हो? यही सच है। तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ बोल रहे हो ना? यही तो प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या बात करूं, सच बोलूं या झूठ बोलूं, क्योंकि तुम्हें तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं होता। इनफैक्ट तुम्हें मुझ पर ही यकीन नहीं। I'm sorry. Oh, really? Yeah. जैसे तुम्हें मेरे सच पे विश्वास नहीं, मुझे तुम्हारी सॉरी पे विश्वास नहीं। So you're not sorry. Calm down, आलिया। गुस्से से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से सब संभालना होगा। और जल्दी, वरना ये रिश्ता नहीं बचेगा जिसके लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ दी है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या आप जानते थे कि प्रियंका और ऋषि कंपनी ज्वाइन करने के पहले एक दूसरे के दोस्त थे? नहीं बाबू, मुझे पहले नहीं पता था, वो ज्वाइन करने के बाद पता चला। क्या ऋषि आपके गाइडेंस पे काम करता था? नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं करता था। ही टू वर्क फॉर माय सिस्टर कंसर्न कंपनी, मतलब सेम बिल्डिंग में और सेम ऑफिस में काम करते थे, बट नॉट अंडर मी। वो आपके साथ, आपके अंडर और आपके गाइडेंस पे काम नहीं करता था, तो जाहिर है कि आप उनसे बात भी नहीं करते होंगे। शायद कभी ग्रुप में बात हुई होगी, लेकिन पर्सनली बात नहीं हुई। कुछ भी नहीं? नॉट इवन अ सिंगल ऑर्डर? नो। क्या आपको याद है कि उस रात आपने ऋषि को अपने कैबिन में बुलाया था, जहाँ पे ये सारी वारदात हुई? सॉरी सर, मैंने उसे नहीं बुलाया था। तो फिर किसने बुलाया था, याद कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं कॉन्फ्रेंस खत्म करके वापस ऑफिस आया था, तब मैंने देखा कि ऋषि वहाँ से भाग रहा था। उसके कपड़े अनबटन थे और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने अंदर किया तो मैंने मैंने प्रियंका को देखा। उसकी उसकी हालत बहुत खराब थी और चोट के निशान थे, बहुत डरी हुई थी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में कि अंदर हुआ क्या होगा। प्रियंका की हालत देखकर कोई भी बता देता कि ऋषि ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। That's all, my lord. Mr. Vyom, आप कुछ पूछना चाहते हैं? No, Your Honor. आप जा सकते हैं। मिस्टर खरबंदा ने जो पूछा है वो सब पुलिस की रिपोर्ट में है। मिस्टर अभिषेक ने मौकाए वारदात पर ऋषि को वहाँ से भागते हुए देखा है और फोटोग्राफ भी ये प्रूफ करते हैं कि मॉलेस्टेशन हुआ है। तो मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूंगा कि ऋषि को दोषी मानते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डिफेंस अभी भी चल रहा है और मैं केस लड़ रहा हूँ माय लॉर्ड। आप लड़ नहीं रहे हैं, कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हैं और कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। और आप जैसे लॉयर्स। मिस्टर व्योम, नो पर्सनल कमेंट्स, मुझे दोबारा याद न दिलाना पड़े। सॉरी योर ऑनर। अब आपकी तरफ से क्या रह गया है? वो फोटोज। अगर फोटो नंबर 3 और 5 को गौर से देखा जाए तो आप कोई चीज नोटिस करेंगी माय लॉर्ड? 3 नंबर के फोटो में गला दबाने का निशान नहीं है और 5 नंबर की फोटो में निशान है। 3 नंबर का फोटो वारदात के दिन का है और 5 नंबर का फोटो उसके अगले दिन का है। कई बार चोट के निशान अगले दिन भी आते हैं। अगर निशान स्क्रैच का हो तो, लेकिन ये जानबूझकर किया गया निशान है। आप जो साबित करना चाहते हैं वो साबित नहीं हो पाएगा। साबित तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे साबित करने दे तो। आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह मैं नहीं कर रहा हूँ, गुमराह आपकी क्लाइंट कर रही है। उसने खुद अपने हाथों से अपना गला घोटने की कोशिश की और निशान बनाया ताकि ऋषि को बेल ना मिले और ऋषि केस में फंस जाए। प्लीज चुप रहिए, चुप रहिए। मैं यहाँ अपने जस्टिस के लिए आई थी,
पर यहाँ तो मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। मुझे ये केस नहीं लड़ना, मुझे केस नहीं लड़ना, मुझे केस नहीं लड़ना। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। गले पे निशान बनाए गए और उसकी फोटो खींची गई माय लॉर्ड, और वही फोटो पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड की गई ताकि पुलिस को लगे कि मिस्टर ऋषि ही कल्प्रिट है। यहां तक कि मिस्टर ऋषि को पुलिस कस्टडी में भी मारा गया और उन पर हाथ उठाया मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा ने।